स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th सेशन 2025। बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर जिसका साल भर बच्चे इंतजार करते हैं वो सर्कुलर आपका आ चुका है। सीबीएसई ने आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया रिगार्डिंग द न्यू ग्रेडिंग सिस्टम। बच्चों एग्जैक्टली सीबीएसई के हर सेशन में क्या होता है, एंड तक बच्चों को यही क्लैरिटी नहीं होती है कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। तो जो करेंट ग्रेडिंग सिस्टम है नए सेशन के लिए वो है रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम जो कि अडॉप्ट किया है सीबीएसई ने बाय अवॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th। सीबीएसई का ये एक नया सर्कुलर है जिसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेडिंग सिस्टम दी जा रही है 10th 12th को सब्जेक्ट वाइज। एग्जामिनेशन जो होंगे आपके 10th 12th के उसमें जो मार्क्स आएगा उसको भी हम ग्रेड में दिखाते हैं। अवॉर्डेड ग्रेड्स आर रिफ्लेक्टेड इन योर मार्कशीट्स, यस दे आर। अब ये जो रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है वो सीबीएसई ने ऑप्ट किया है बेस्ड ऑन रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम विच इज मोर साइंटिफिक अप्रोच इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेड। एब्सोल्यूट ग्रेड में क्या होता है, मान लो 91 to 100 को ए दे दिया तो ये हो गया एब्सोल्यूट ग्रेड। लेकिन इनका ट्रिक थोड़ा सा अलग है, वो है हमारा कि एब्सोल्यूट ग्रेड करते हैं जिसमें ग्रेड्स आर गिवन बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट ना देकर रिलेटिव देते हैं बेस्ड ऑन प्री डिटरमिंड कट ऑफ लेवल। अब ये कट ऑफ के हिसाब से ईयर बाय ईयर होगा। ग्रेड्स आर नॉट डिटरमाइंड ऑन द मार्क्स रेंज, यानी कि मार्क्स रेंज से ग्रेड डिसाइड नहीं होगा, ग्रेड्स जो है वो कैसे बनेगा। सो फॉर अवॉर्डेड ग्रेड जैसे A1 है, A1 आपको कम मिलेगा आप अगर टॉप 1/8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट हो तो आपको A1 मिलेगा, नेक्स्ट 1/8 स्टूडेंट हो तो आपको A2 मिलेगा। यानी कि सर मार्क्स से लेना देना नहीं है, अगर मान लो कि सीबीएसई का हाईएस्ट मार्क्स 80% ही गया तो ये जो A1 वाले होंगे वो 80% में आएंगे। आगे और क्लैरिटी हम देंगे आपको। B1 ग्रेड कब मिलेगा, जो नेक्स्ट 1/8 होंगे, देन नेक्स्ट 1/8 को B2, नेक्स्ट 1/8 को C1, नेक्स्ट 1/8 को C2, नेक्स्ट 1/8 को D1, नेक्स्ट 1/8 को D2, और यहाँ से नीचे यानी कि जो 33% नहीं ला पाए वो आ गए एसेंशियल रिपीट में, यानी कि इनकी थ्योरी लगी गई रिपीट। व्हाइल प्लेसिंग द कैंडिडेट्स इन रैंक ऑर्डर फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन इन द कंसिडरेशन। माइनर वेरिएशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैंडिडेट्स टू एडजस्ट टाइज, टाई आ जाता है तो फिर माइनर एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। इन केस ऑफ अ टाई ऑल द स्टूडेंट्स गेटिंग द सेम स्कोर्स आर अवॉर्डेड द सिमिलर ग्रेड। मान लो चार बच्चों के सिमिलर ग्रेड है, मतलब सेम मार्क्स है तो सिमिलर ग्रेड भी दे देते हैं। मेथड ऑफ ग्रेडिंग इज यूज इन सब्जेक्ट्स वेयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड इज मोर देन 500। इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स वेयर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पासिंग इज लेस देन 500 ग्रेडिंग वुड बी अडॉप्टेड ऑन द पैटर्न ऑफ, यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये बच्चों को समझने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल ये ग्रेड्स हैं सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पासिंग। द सब्जेक्ट हिंदी, मान लो हिंदी है जिसमें से 159,052 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं तो इसका जो 1/8 होगा टॉप 1/8 यानी कि 19,882 वो होंगे ग्रेड A1। अब जो अगला 19,882 बच्चे होंगे उनको देंगे 82, उससे नीचे वाले जो मतलब 19,882 बच्चे होंगे उनको B2, तो इस तरीके से यहाँ तक D2 तक जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली कोई सब्जेक्ट मान लो जिसमें 158,585 है तो यहाँ भी 1/8 निकालेंगे और जैसे 19,824 बच्चे हैं तो उनको हमने दिया A1। सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ओवरऑल तो लगभग सेम ही रहते हैं बट मार्जिनली डिफर कर सकते हैं, तो इस तरीके से ग्रेड्स हम देंगे जहाँ पे बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं। अब सब्जेक्ट जहाँ पे जैसे कि सब्जेक्ट जिसमें 300 ही बच्चे अपीयर हुए हैं, ठीक है, मतलब अंडर 500 है तो यहाँ पर मीनिंग देयर बाय, अब यहाँ पर 38 इसका 1/8 निकालोगे तो 38 आएगा, तो टॉप 38 बच्चे जो होंगे वो A1 कैटेगरी में आएंगे, उसके नेक्स्ट जो 38 बच्चे होंगे उसके जस्ट नीचे वो 82, उसके जस्ट नीचे 38 को B1, फिर B2, फिर C1, फिर C2, इस तरीके से रिलेटिव ग्रेडिंग होगी यानी कि एब्सोल्यूट मार्क्स पे डिपेंड अब नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। Relative grading system adopted by the board, a candidate obtaining identical marks in two subject may not get the same grade. समझ गए आप? Same marks में same grade नहीं भी मिल सकता है क्योंकि अभी marks के range पे ये depend नहीं कर रहा है, ये depend करेगा आप top कौन से bracket में हो, आप कौन से 1/8 की category में हो, top 1/8 अगर सबसे ऊपर हो तो A1,
नेक्स्ट हो तो ई टू इस तरीके सॉरी ए टू बी वन बी टू इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स जो इस बार 2025 में बोर्ड देने वाले हैं क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 केमिस्ट्री, बच्चे फुल कोर्स भी आपके लिए लॉन्च हो चुका है, जो इंटरेस्टेड हैं बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी भी बैच जो है वो 10th of June से स्टार्ट होने वाली है। इट्स अ कोर्स जिसकी फीस होगी ₹1000 पर मंथ, जो कि आपकी बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन होगा, जूम पे क्लासेस होंगी। ईमेल आईडी ये है जिस पे आप मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको अगेन यू विल बी गिवन स्टडी प्लान, टू वे कम्युनिकेशन होगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगी। एनसीईआरटी सबसे पहले बेटा हम लाइन बाय लाइन करवाएंगे, डाउट सेशंस होंगे एंड सबसे ऊपर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी पीडीएफ्स एंड एंटायर कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ताकि आप 70 out of 70 ला सको या 80 out of 80 ला सको विदाउट एनी डाउट। सो विश यू ऑल द बेस्ट।